हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सेल्वी। अभी अभी लॉन्च हुआ है क्रिस्प एम टूल। तो क्रिस्प एम टूल होता क्या है और ये एमजी नरेगा स्कीम को हेल्प कैसे करेगा, तो डिटेल में जानेंगे क्रिस्प एम टूल और ये कैसे हेल्प करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में। तो क्रिस्प टूल जाने से पहले हम जानेंगे एमजी नरेगा स्कीम क्या है। तो एमजी नरेगा स्कीम हुआ था एक्चुअली 2006 में लॉन्च हुआ था। ओके, 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने वो वादा किया था कि सारे के सारे पब्लिक को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा। मतलब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर पे 100 डेज का वर्क मिलेगा ही मिलेगा एवरी अनस्किल्ड वर्कर को। तो ये जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट वो किसके बेसिस पे होगा, हमारे जो गांव है उसके उन्नति के लिए कुछ होगा, या फिर पब्लिक सेफ्टी पर्पज के लिए, या फिर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पब्लिक का काम आता है तो उसे डेवलप करने के लिए ये जो एमजी नरेगा स्कीम लॉन्च हुआ था 2006 में। ये याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो फिर क्या है, तो हमारे जो जीआईएस टूल अभी जो आया है जीआईएस टूल उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिस्प एम जो एक्चुअली जीआईएस टूल है उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछेगा, क्लाइमेट रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। तो एक्चुअली क्या है, जो क्लाइमेट रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम हम इसको ऐड करेंगे एमजी नरेगा स्कीम में। एम फॉर दैट एम इंडिकेट्स एमजी नरेगा। तो फिर अगर हम क्लाइमेट रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे एमजी नरेगा में, तो फिर क्या होगा, पूरे का पूरे डिटेल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। मतलब जिसमें ये जो एमजी नरेगा स्कीम किसके ऊपर, लेट से एक पॉन्ड डेवलपमेंट के लिए, गांव में एक पॉन्ड को बनाने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो जो पॉन्ड का जीआईएस मतलब उसका कोऑर्डिनेट, उसका जीपीएस पॉइंट, सारे के सारे डिटेल कंप्यूटर के फ्रेम में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो फिर ये स्कीम को भी डिजिटलाइज कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा किस कहां पे हमें अच्छी तरह प्लानिंग करना है, कहां पे एमजी नरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। देखिए, अगर हमें एक नाला चाहिए तो कैसे पता चलेगा, जीआईएस से पता चलेगा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चलेगा, तो वहीं से हम एमजी नरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। सो ऐसे किस हमें हेल्प करेगा एमजी नरेगा में। तो इसका कोई भी मतलब एडवांस वर्जन नहीं है, ये वही स्कीम है, बस आप इसको डिजिटलाइज कर देते हो ताकि काम अच्छे से हो पाए। और ये टूल पहले यूज होगा 7 स्टेट में, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। ये नाम पूछेंगे क्योंकि ये तो एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है कि कौन सा वाला ऐसे स्टेट है जिसमें ये जो क्रिस्प एम टूल काम नहीं आएगा, नहीं है, अप्लाई नहीं होगा, तो ऑप्शन में सब कुछ ये दे देगा, एक ऑप्शन बाहर से दे देगा। तो ऐसे याद कैसे रखेंगे, क्रिस्पो इजीले, क्रिस्प आप खाए होंगे ना, क्रिस्प चिकन ऐसे कुछ खाए होंगे ना, तो क्रिस्प वही नाम से याद रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं जाता, कैसे इजीली याद रखेंगे वो भी बताया जाता है। सो इसीलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहिए।